हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुल मिला के 5 स्टॉक से रिलेटेड। ये अलग अलग टाइप के कमेंट्स रहते हैं, इसलिए मुझे ऐसे वीडियो बनाने पड़ते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि ऐसे वीडियोज़ में इसके पहले भी बना चुका हूँ, और जो स्टॉक्स रहते हैं मैं कभी अपनी दिशा नहीं बदलता हूँ। जो अच्छे स्टॉक्स है रिटेल निवेशकों को पता होने चाहिए, उन्हीं के बारे में मैं बार बार जिक्र यहाँ पे करते रहता हूँ। सो जो लोगों को भी अभी यहाँ पे पता चल चुका है कि उनके से स्टॉक अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सो उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, SMKC चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आज आप लोग देख सकते हैं गजब का वीडियो आ चुका है। अभी 54,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। ऊपर आई बटन पे आप लोगों को इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी देख लेना। बहुत ही ज़बरदस्त ये पावरफुल वीडियो है, जो कि आप लोगों का नॉलेज ज़रूर यहाँ पे बढ़ा सकता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और जैसे आप सभी लोगों को पता है, बहुत लोग यहाँ पे पूछते रहते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आप लोग लाइफ टाइम भी होल्ड करना चाहोगे। हालांकि आप सभी लोग पता है कि स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल ये 5 बिजनेसेस, मतलब इन 5 स्टॉक्स में ऐसी कुछ खास बातें हैं जो कि इन 5 स्टॉक्स को स्पेशल बना देती है। हमेशा आप सभी लोगों को पता है मेरे वीडियोज़ में 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लॉजिक, एंड उसके बाद वो 5 स्टॉक्स। सो लॉजिक को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारे लोग सिर्फ नाम देखते रहते हैं, एंड वही लोग हैं जो कि मार्केट गिरने के बाद भी उन स्टॉक्स को नहीं खरीदते, एंड रिकवर हो जाने के बाद भी नहीं खरीदते। सो जब आपको लॉजिक फंडामेंटली अगर आप लोग स्ट्रांग हो जाएगी कि क्यों खरीदना चाहिए, इसके पीछे का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा, सो डेफिनेटली आप लोगों को बाद में जब ये स्टॉक्स गिरते हैं तो डाउट क्रिएट नहीं होगा। तो चलिए फटाफट इन 5 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। लॉजिक के ऊपर डायरेक्टली जाने से अच्छा एक काम कर लेते हैं, क्योंकि हर एक स्टॉक अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करता है। हम लोग एक एक स्टॉक को पिक करेंगे, एंड उससे रिलेटेड एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात यहाँ पे जरूर करेंगे, तो आप लोगों के लिए भी ये आसानी से समझने के लिए हो जाएगा। तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टॉक की बात अभी जो वीडियो बनाया था, ऑब्वियसली मैं इसी की करूँगा, रिलायंस इंडस्ट्री। मैं वापस कहना चाहूँगा, कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है कि आप लोग जोश में आ जाओ, सर हम लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कल अगर ये स्टॉक गिर गए तो, डूब गए तो आप भी डूब जाओगे। सो खुद के ऊपर भरोसा रखना ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, और इसलिए मैं बताता हूँ कि स्टॉक्स के पीछे का लॉजिक क्या है, इसलिए वीडियोस भी लंबे हो जाते हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्री, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इस कंपनी की ताकत क्या है। तो ये एक बिजनेस नहीं है, ये इंडस्ट्री है पूरी। मतलब जियो का बिजनेस आप लोगों ने देख लिया, मतलब टेलीकॉम में काम करती है। रिटेल का बिजनेस क्या चल रहा है, अभी अभी ताज़ी न्यूज़ हम लोगों ने देख ली। फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड पुराना वीडियो, आप मेरा पिछला ही वीडियो देख सकते हो, कितनी गजब की 25,000 करोड़ के आसपास की डील है। उनको बराबर पता है कि कौन सी कंपनी को पकड़ना होता है। उसी के साथ साथ O2C बिजनेस यहाँ पे अभी भी चल रहा है, आप सभी लोग पता है ऑयल का बिजनेस, पेट्रोकेमिकल का बिजनेस, ये इनका दिक्कतों में यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कंपनी गजब की है, एंड आप सभी लोगों ने इसका एक्सपीरियंस भी ले लिया है कि 1600 का शेयर 800 तक आया था, आधा हो चुका था, एंड वही 800 का शेयर आज 3 गुना अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है। सो मैनेजमेंट इनका बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं ऐसा भी बोल दूंगा तो गलत नहीं रहेगा। पॉलिटिकली भी वेल कनेक्टेड है। सो ऐसे कंपनी में रहना हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, एंड फ्यूचर में भी इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो, मतलब दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग आके इस कंपनी में पैसा लगा रहे, सो व्हाई नॉट आप भी इस कंपनी के बारे में ज़रूर यहाँ पे सोच सकते हो। फाइनल डिसीजन आप ही करेगा, बट यस मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री एक गजब का स्टॉक है। एंड याद रखना, जब मार्केट निफ्टी 50 जब शुरू हुआ था तब ये भी कंपनी थी, मतलब जब क्रिएट किया था निफ्टी 50 तब से लेके आज तक ये कंपनी बनी हुई है। सो कुछ तो खास बात है, कभी कभी कंसोलिडेशन फेज में जा सकती है, मूवमेंट नहीं रहता है, बट ओवरऑल आप सभी लोगों को पता है ये कंपनी गजब का पोटेंशियल रखती है, एंड डेट फ्री, अभी ये नेट डेट फ्री भी हो चुकी है। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों ने हमेशा नोट यहाँ पे करना चाहिए। सो रिलायंस इंडस्ट्री में पर्सनली मेरा फेवरेट स्टॉक है, आप सभी लोगों को भी पता है। गिरावट होगी ये तो चलता ही रहेगा, यहाँ से आधा भी हो सकता है, बट याद रखना जो स्टॉक पहले भी 1600 से 800 आया था, आधा हुआ था, वो बाद में कहा गया है। सो ये सिचुएशन को आप लोगों ने एनालाइज करने चाहिए, उसके बाद आप लोग आसानी से आगे बढ़ सकते हो। सो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के बाद अगर हम लोग दूसरा कोई स्टॉक है तो यस डेफिनेटली TCS। अगर मैं IT सेक्टर की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है मेरा और एक फेवरेट स्टॉक है, वो है इन्फोसिस। बट डेफिनेटली मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आप एक ही स्टॉक को चुनना चाहते हो तो TCS के लिए जाओ, क्योंकि इन्फोसिस में कभी कभार यहाँ पे कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड फेक न्यूज़ बहुत आ चुकी है। हालांकि एक भी उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, बट इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, आप जाओगे इन्फोसिस में ज़रूर, बट वहाँ पे टिक नहीं पाओगे, क्योंकि बीच में आप लोगों ने देखा था 850 का शेयर 500 तक खींच लिया था ऑपरेटर्स ने। सो वहाँ पे हालत आपकी सूख जाएगी, मतलब बहुत ख़राब हालत हो जाती है। बट अगर आपका भरोसा है नारायण मूर्ति, उनके मैनेजमेंट नंदन नीलकर्णी जी, उनके ऊपर अगर भरोसा रहेगा तो आप लोग रह पाओगे, जैसे मैं रहा।
तो ये बात है, अगर आप उस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो TCS अनडाउटेडली डेट फ्री कंपनी है। पहले भी डेट फ्री ही थी, नेट डेट फ्री, रिलायंस इंडस्ट्री ये भी डेट फ्री कंपनी है। पहले सिर्फ मात्र 33 करोड़ का कर्जा था, इतने बड़े कंपनी के लिए 33 करोड़ नथिंग, बट फाइनली अभी वो दाग भी हट चुका है, ये डेट फ्री भी बन चुके हैं। सो दोस्तों, आप सभी लोग पता है IT सेक्टर ये फ्यूचर की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कोई अपडेट रहते तो IT वाले ही रहते हैं, क्योंकि सेकेंड्स में उन लोगों को अपडेट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कंपनी के प्राइस, आप सभी लोगों को ये मैं बता के थक चुका हूँ, आप लोगों को अभी बायआउट भी हो चुका है, और वही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये समझ जाए कि यही स्टॉक्स है जहाँ पे बड़े बड़े लोग पैसा कमाते हैं। यही स्टॉक जब नीचे आ जाते, 1600 के आसपास आया था ये स्टॉक, आज देख लेना 2200 के भी ऊपर है, आराम से 600 रुपया आप लोगों ने कमा सकते थे पर शेयर, जितना हो सके बाय ऑन डिप्स आराम से। मैं चाहता हूँ कि मार्केट वापस गिरे तो ऐसे स्टॉक हम लोगों को वापस मिल जाए, क्योंकि ये गिरते नहीं है, मैक्स टू मैक्स 10% 12%, दैट्स इट। तो 15-20% 30% कब गिरेंगे, जब ऐसे कुछ सिचुएशन हो जाए, कोरोना लॉकडाउन जैसे, तभी इनमें गिरावट होगी, वरना पॉसिबल ही नहीं है। तो TCS भी एक ऐसा स्टॉक है जो कि मैंने कहा कि IT सेक्टर का नंबर वन है। तो एंड आप सभी लोग पता है डॉलर्स, डॉलर जितना महंगा होगा ना, IT सेक्टर की बल्ले बल्ले, क्योंकि उनका जो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, $100 फिक्स हो गए एंड अभी आज 70 पे चल रहा है, तो आपको 7000 मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल के लिए सर्विस दे दी, $100 है, बट वही डॉलर आते वक्त अगर 75 रहेगा तो 500 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, तो ये एक फ़ायदा होता है। एंड डॉलर हमेशा एप्रिसिएशन में ही चलता है, इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन में ही चलता है, कंपेयर करें तो अगेंस्ट द इंडियन, कंपेयर करें तो US डॉलर से। सो ये भी एक एडवांटेज इस कंपनी को ज़रूर मिलता रहता है। सो TCS एक बहुत ही तगड़ी कंपनी, हालांकि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि TCS, उसी के साथ साथ इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, ये सारे गजब की कंपनी है। एंड इसमें आप चाहो तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप लोग डिवाइड कर दो इन्वेस्टमेंट 25-25-25-25, या फिर विप्रो को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इतना पेशेंस नहीं रहता है। सो TCS, HCL टेक, इन्फोसिस, इसमें हमेशा आधा आधा पर, मतलब सबका हिस्सा बराबर होना चाहिए। तीनों बेस्ट कंपनी, सभी के सभी इंडेक्स वाली कंपनी है, बट फिर भी TCS ये कंपैरेटिवली सेफ भी कंपनी है। सो ये इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ, टाटा ग्रुप का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों का रिलायंस, मतलब भरोसा इसके ऊपर बढ़ जाता है। दोस्तों तीसरी अगर कोई कंपनी है तो बैंकिंग सेक्टर को आप लोग नहीं नकार सकते। सो HDFC बैंक, कुछ भी हो जाए, इतना पैसा इनके पास है आप लोग सोच भी नहीं सकते। आराम से कभी भी फंड रेज करना है, QIP लाना है, तो उनके लिए चुटकी वाले काम है आराम से। एंड जैसे मैंने कहा, निफ्टी फिफ्टी जब से क्रिएट हुआ था, ये भी कंपनी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। सो ऐसे ही कंपनी में रहना होता है, जो कि मैं बार बार बता के आप लोगों को पका दूंगा, बट यस, आपके भेजे में वो जाना चाहिए। लोगों के भेजे में जाते हैं बट फिर भी वो एक्शन कुछ नहीं लेते, जाएंगे किसी और फालतू के स्टॉक्स में। सो याद रखना, ये ऐसे ही बैंक से आप लोग देख सकते हैं, मैंने कितनी बार मेरा स्टेटमेंट को रिपीट किया है, आपको बायड भी होगा, 1000 के नीचे 3 डिजिट में दिखता है, उठा लो माल। हाँ, पेशेंस होना चाहिए, वक्त लग सकता है, बट है तो गजब की बैंक। और बैंकिंग सेक्टर आप सभी लोग पता है, येस बैंक जैसी बैंक को भी सरकार ने डूबने नहीं दिया। HDFC की तो बात ही छोड़ दो, ये तो मतलब ये भी एक इंडस्ट्री टाइप ही है, इतना पैसा है इनके पास। और याद रखना, बैलेंस शीट में आप लोग जो पूछते हैं, सर 10 लाख करोड़ का डेप्ट है, फिर भी आप बताते हो, अरे उनका धंधा ही वही है, पैसा लेना पैसा देना, और बीच में जो डिफरेंस बचता है वो उनका इनकम। सो याद रखना, इनकी बैलेंस शीट बैंकिंग सेक्टर की हमेशा आप लोगों को डेट फ्री कभी देखने को नहीं मिलेगी। एंड HDFC बैंक ये भी ज़बरदस्त है, वक्त लगेगा बट ये भी आप लोगों को पैसा कमा के देगा। आप लोग देख सकते क्या गजब का है, बीच में कंपनी स्प्लिट भी किया था आप सभी लोग पता है इसके कारण, वरना ये तो 2-3 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिल सकती थी। उसके बाद एक NBFC, HDFC और एक HDFC, एंड ये भी निफ्टी फिफ्टी का पुराना स्टॉक है। सारे ऐसे स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ऐसे स्टॉक में रहना होता है दोस्तों जहाँ पे टेंशन नहीं है, 2500 के आसपास से चल रहा था, आज भी अगर आप देखोगे ना अपॉर्चुनिटी है 1800 के आसपास है, प्रोवाइडेड आप लोगों में तो पेशेंस होना चाहिए। फाइनेंस सेक्टर में दिक्कतें चल रही है, अनसर्टेनिटी है, बहुत कुछ मोरेटोरियम्स के इशू चलते रहते, बट डिजर्व करता है ये कंपनी, गजब का कंपनी है। मतलब मैं तो होल्ड करूंगा, दुनिया का मुझे पता नहीं, मैं कभी आपको फोर्स नहीं करता हूं, जो चीज़ें मैं करता हूं वो सिर्फ मैं आप लोगों को वीडियो बना के फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पेश कर देता हूं, बाकी आपकी मर्जी। सो HDFC लिमिटेड भी गजब की कंपनी है, सर मैंने यहाँ पे 2500 में जब हाई गया था तभी खरीदा था, अभी भी कह रहा हूँ होल्ड कीजिए, अच्छी कंपनी है। मतलब मैं ऐसा सुनूंगा कि HDFC लिमिटेड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हुआ और मैंने लॉस में निकाल दिया, तो आप में पेशेंस की कमी है। ये इससे पहले भी ऐसा बहुत बार गिर चुका है, एंड आगे जब ये 2500 के ऊपर चला जाएगा तो वापस मैं वीडियो बना के आप लोगों को याद दिला दूंगा कि देखिए मैंने कहा था और अभी यहाँ पे आ चुका है। हाँ, टाइम देना पड़ेगा। सर क्या ये यहाँ से आधा भी हो सकता है? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। US मार्केट में अगर कुछ हो गया, किसी के साथ वॉर हो गया, तो पूरा मार्केट नीचे जाएगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था, बट रिकवरी भी होगी, ये भी आप लोगों ने पकड़ के यहाँ पे चलना चाहिए। एंड आखिरी कोई स्टॉक है दोस्तों, तो अनडाउटेडली मैंने अभी आप लोगों को वीडियो बना के कहा था, HUL डेट फ्री कंपनी है, FMCG है, जिसके रोज डेली प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करते हैं, ये कंपनी गजब की कंपनी है। गिरावट हो रही है, हो जाने दो, अच्छी बात है ना, गिरावट नहीं होगी तो खरीदोगे कब, मतलब ये कमाल की बात है। हायर लेवल पे हम लोग खरीदते नहीं है, जब गिरावट होते तो डाउट खाते हैं,
तो यही कहना चाहूँगा कि अच्छे स्टॉक से ऐसे स्टॉक, और यस ये भी कंपनी निफ्टी 50 जब से क्रिएट हुआ है ये भी कंपनी इंडेक्स का पार्ट बना हुआ है जो कि आज तक मार्केट में है। सो यही कंपनी है दोस्तों जो कि आप लोगों ने पकड़ के चलने चाहिए अच्छे रिटर्न से। एंड अभी मैंने जो वीडियो बनाया था आपके लिए कि पाँच स्टॉक्स है ना, तो मैं पूरे पाँच पकड़ के भी नहीं चलता हूँ, तीन स्टॉक इसमें से चल गए ना तो भी बहुत है, दो स्टॉक चलो जाने दो नहीं चल गया तो। अभी मैंने वीडियो बनाया था कि ऐसा कट पकड़ के चलना चाहिए। वॉरेन बफे जी इसीलिए तो बोलते हैं कि सेक्टर आप देख सकते हो सभी सेक्टर में हो गए, NBFC हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, रिलायंस तो पूरा मतलब सेक्टर ही सेक्टर है अगर आप लोग देखोगे तो, सभी मिक्स है। तो ऐसे ही सेक्टर में आप लोगों ने करना है, एंड FMCG में HUL भी हो गया। सो ऐसे ही अगर आप लोग करोगे तो यहाँ पे आपका ज़बरदस्त फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। एंड ये कौन सी कंपनी है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये वही टॉप 5 कंपनी अगर आप लोग देखते हैं, रिलायंस नंबर 1 है, TCS नंबर 2 है, HDFC 3 है, HUL 4 है, इंफोसिस भी ज़बरदस्त है, इसको कमज़ोर मत समझना, एंड HDFC। बट इंफोसिस क्यों नहीं, मैंने ये रीज़न यहाँ पे बता दिया कि आप में वो दम होना चाहिए क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त गलत आरोप सारोप लगते रहते हैं, ऑपरेटर बहुत कोशिश करते हैं इस स्टॉक को गिराने से रिलेटेड, बट कंपनी है गजब की। सो ये भी गजब के ऐसे ही, इसका मतलब ये नहीं कि उसके नीचे वाली कंपनी ख़राब है, बट ये कंपनी आप लोग कह सकते कि लाइफ टाइम भी होल्ड कर सकते हो, ऐसी कंपनी है, आउटस्टैंडिंग है। एंड इनमें जो लोग निचले लेवल से खरीद के बैठे हुए उनको सभी लोगों को पता है कि ये क्या गजब के रिटर्न देते हैं, बट न्यूज़ चैनल के ऊपर ज़्यादा कवरेज यहाँ पे नहीं मिलता है, वो आलतू फालतू शेयर्स की बात करते रहते हैं। तो याद रखना दोस्तों इनसे कंपनी में बने रहना चाहिए जहाँ पे आप लोगों का रिटर्न ज़बरदस्त हो सकता है। सो फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली आपका रहेगा, मैं सिर्फ बताने का काम करता हूँ, फाइनल डिसीजन आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि आप लोगों ने स्टडी करना है, उसके बाद एक्सपीरियंस से आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं एंड कौन से नहीं है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन अवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।